वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 27 अप्रैल 2022, और 27 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो आज कुछ नेटवर्क की वजह से आपको लेट क्लास मिल पाई है, तो इसके लिए मुझे खेद है। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास रखिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखिए, छोटी सी क्लास मिलेगी आज मेरी इंडिया करंट की। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 26 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा अधिकारियों की भूमिका के बारे में जानने के लिए मनाया जाता है। अब इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इस संगठन के सीईओ कौन है? डेरेन टैंग। और विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये बना है महाराष्ट्र। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। देखो मुख्य तथ्य, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेव का उद्घाटन किया। और आदित्य ठाकरे ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा है। तो इसकी शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा ने। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दो पुस्तकों द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया का विमोचन किया है? ये किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा इनका विमोचन किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अविनाश खेमका की दो किताबें एक कॉफी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी का विमोचन किया, और एक अविनाश मोहपात्रा द्वारा पूर्वी भारत का सिख इतिहास शीर्षक से पूर्वी भारत के सिख इतिहास का संकलन किया है। तो ये किसने किया है? मुख्यमंत्री उड़ीसा ने। अगला देखो, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? ये लिया है अपने देश भारत ने। किसने लिया है? अपने देश भारत ने भाग लिया है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जारी संयुक्तव्य वक्तव्य में घोषित किया था, किसने? भारत देश ने 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। तो इसका किसने भाग लिया है? प्रधानमंत्री मोदी। और रूस के द्वारा इसको क्या है? भारत के देश के में भी भाग लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में शांति के लिए भूपक्षिता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो शांति के लिए भूपक्षिता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया 24 अप्रैल को। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री लगेगी? ये लगेगी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? अतुल कुमार, अमिताभ कांत, राजीव कुमार और नरेंद्र मोदी। तो आज फटाफट मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिला है, तो आपको मैंने आगे नेक्स्ट डोज जस्ट डोज भी नहीं दी, क्योंकि अभी मैं राजस्थान में नहीं हूँ, तो उत्तराखंड राज्य में आ चुका हूँ, तो इसलिए वहाँ पर मैं 2-3 दिन के लिए मैं उसकी उत्तराखंड के लिए टूर की यात्रा पर आ चुका हूँ, तो वहाँ पर मैं इसलिए मुझे टाइम कम है, तो 2-3 दिन आपको ये क्लास छोटी छोटी आपको ब्लॉग में रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।